पाकिस्तान में अंदर घुसकर बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह और भी बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक होने के बाद सबूत मांगे थे। अब ये तो आप सबको पता ही है, पर अब इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है, वो नाम है अखिलेश यादव का। दरअसल अखिलेश यादव ईटा के प्रत्याशी की जनसभा में पहुंचे थे। यहां उन्होंने एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 के मार गिराने वाले दावे को लेकर सवाल उठाए और साथ ही कहा कि अभिनंदन की रिहाई में अमेरिका का हाथ था। अगर अमेरिका ने छोड़ने की बात ना कही होती तो पाकिस्तान हमारे पायलट को कभी नहीं छोड़ता। बताओ इसमें बीजेपी सरकार का क्या हाथ था? अमेरिका कह रहा था कि F-16 प्लेन को नहीं गिराया गया, तो हम बीजेपी सरकार की बात कैसे मान लें? और अगर आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं तो इसके पीछे हमारे जवानों का हाथ है। अगर अमेरिका नहीं चाहता तो आपका जो फाइटर पायलट जो पाकिस्तान में गिरा था, अगर अमेरिका नहीं चाहता तो आपका पायलट नहीं वापस आता, वो अमेरिका ने वापस किया। अब इन्होंने जो बयानबाजी करनी थी वो तो कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव रैली को संबोधित करने से पहले अपना होमवर्क करके नहीं गए थे, तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। पहली बात जो ये बोल रहे थे कि एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तानी लड़ाकू विमान यानी F-16 मार गिराया गया, वो हम इस दावे को कैसे मान लें? लगता है कि अपनी विरोधी पार्टी भाजपा के ऊपर पलटवार के चक्कर में ये भूल गए हैं कि जो सबूत के रूप में मिसाइल के टुकड़े दिखाए थे वो सिर्फ F-16 में ही लग सकते थे। वो सबूत इंडियन एयरफोर्स ने दिखाए थे, ना कि मोदी सरकार ने। उसके बाद भी सेना प्रमुख ने रडार इमेज तक रिलीज कर दी थी दोनों विमानों की। अब इससे ज्यादा सबूत इन्हें हमारी सेना क्या दे? इन द सेंटर एंड द सदर्न सेक्टर व्हिच वाज पिक्ड अप बाय एवैक्स एंड द नॉर्दर्न ग्रुप वाज JF-17s एंड द सेंट्रल एंड द सदर्न ग्रुप्स वर द F-16s। पर इसका तो सीधा मतलब ये है कि आपको अमेरिका के द्वारा आए बयान पर विश्वास है, अपने इंडियन एयरफोर्स पर नहीं। उसके बाद अखिलेश जी ने कहा कि अमेरिका के कहने के बाद ही हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान से छोड़ा गया था। तो इसका जवाब में अखिलेश जी, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि क्या अमेरिका के किसी भी मिनिस्टर या विदेश मंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी आपको दी थी? क्योंकि आपने ये सवाल अमेरिका से आई जानकारी के बाद ही खड़ा किया था कि F-16 को मार गिराया गया। अब हम कैसे इस दावे पर यकीन कर लें? और चलो अगर आपकी बात मान भी लें कि अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तान ने हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ा, तब भी इससे यही बात सामने आएगी कि ये भारत सरकार की कूटनीतिक जीत है, क्योंकि विदेशी यात्राओं से ही हमें ये फायदा मिला है। हर देश भारत की तरह दरियादिल नहीं हो सकता। और आपने ये भी कहा है कि हमारी सेना की वजह से ही हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, तो कम से कम सेना और उसके पराक्रम पर तो भरोसा रखिए। और कितने सबूत दे नेताओं को अपनी एयर स्ट्राइक का और सर्जिकल स्ट्राइक का वो? अखिलेश जी, अगर आप टीवी चैनल्स देखते हैं तो आपको ये भी याद होगा कि पहले यही पाकिस्तान बोल रहा था कि उनके पास हमारे दो पायलट हैं, एक अभिनंदन और दूसरा बुरी तरीके से घायल है। पर बाद में वो सिरे से मुकर गया और आज तक पता नहीं चल पाया कि वो पायलट जिसका जिक्र हुआ था वो कहाँ का था और वो कहाँ गया। कई लोगों ने यह भी कहा है कि वो पाकिस्तान का ही पायलट था, पर पाकिस्तान ने इस पर चुप्पी साध ली क्योंकि वो उसका पायलट था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने किए गए पापों को छुपाने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक गिर सकता है और कितना भी गिर सकता है। पर कैसी विडंबना है हमारे देश की, सेना ने जब जब अपना पराक्रम दिखाया है उसके तुरंत बाद सबूत मांगने वालों की लंबी लाइन लग जाती है, सबूत दिखाओ तभी हम मानेंगे कि कुछ हुआ है। लगता है विपक्ष का विरोध करते करते ये सेना के विरोधी हो जाते हैं, देश के विरोधी हो जाते हैं। और यही नेता मंचों पर चढ़कर कहते हैं कि हमें देश की सत्ता संभालने का मौका दो, हम देश को संभालेंगे। बड़ी ही अजीब लगती है इनकी ये बातें।